Hello students, I am Vivek Pandey. Today I am going to start your next life process, that is transportation or circulation. The transportation of essential substances is required by all the living beings. All plants require water for growth and development. The leaves need water for photosynthesis, while the food produced in the leaves is transported to other parts of the plant. The conduction of water and food are carried by the conductive tissues of plant. In the microscopic organisms, essential substances are transported by the diffusion from the environment directly. But in the lower animals, such as worms, insects, etc., transportation of substances are conducted with simple ways in the body. Similarly, in the higher animals, the food absorbed by the intestine has to be carried to all the body parts. Oxygen absorbed in the lungs has to be transported to every cell of the body. The carbon dioxide produced in the cells has to be carried to the lungs for elimination. And the poisonous body wastes like urea has to be transported to the kidneys for elimination in urine, and so on. All such functions are nothing without conductive tissues or fluid, which is the blood for higher animals. आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन कहलाता है, परिवहन या परिसंचरण वो प्रक्रिया है जो किसी भी जीव के डिफरेंट पार्ट्स में एसेंशियल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। पौधों में एसेंशियल सब्सटेंसेस और वाटर एक विशेष प्रकार के टिश्यू के द्वारा प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में आवश्यक चीजों का परिवहन इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जीव के भीतर डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, लेकिन लोअर एनिमल्स जैसे वॉर्म्स, इंसेक्ट, इन सब में ट्रांसपोर्टेशन एक सिंपल वे के द्वारा होता है। हायर एनिमल्स में फूड जो इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होती है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाई जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब होती है वो बॉडी के सेल तक ट्रांसपोर्ट की जाती है, और सेल में प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है
जिससे कि उसे बाहर निकाला जा सके। और इसी प्रकार बॉडी में विभिन्न प्रकार से टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस जैसे यूरिया एट्सेट्रा भी बॉडी के रिलेटेड पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इस लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन में हम पौधों में और विभिन्न प्रकार के जीवों में किस प्रकार से एसेंशियल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन इन प्लांट्स। द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल बाय मीन्स ऑफ रूट्स। दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। द फिनोमिना ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेल। द प्लांट हैव टू टाइप ऑफ कंडक्टिव टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल्स, वेयर एज फ्लोएम टिश्यूज कैरी द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट लीव्स। पौधों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए पौधों में विशेष प्रकार के टिश्यू होते हैं जिसके द्वारा प्लांट वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित जल का प्लांट के डिफरेंट पार्ट में मूव करना एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। प्लांट में कंडक्टिव टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल को बॉडी के या प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम टिश्यू लीव्स के द्वारा प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। थैंक्स।